बाइक लेके आते हो तो बस कैमरा देख के पी 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 हॉर्न ज़्यादा मरने लगते हो, क्यों करते हो ऐसे यार? सॉरी बात नहीं। निद्रारूपा महारात्रि योग निद्रा देवी गुड मॉर्निंग गाइज। मुझे पता है कि आप लोगों का मॉर्निंग अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन मेरा मॉर्निंग अभी तक स्टार्ट हो गया क्योंकि आज है महालया। और आप लोगों को अजीब लग रहा होगा कि मैं इतना सुबह घर में टोपी क्यों पहना हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठा और मेरा बाल बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने टोपी पहन लिया। छोड़िए, हालाँकि आज महालया है। महालया क्या है? दुर्गा पूजा के 7 दिन पहले, हर साल फिक्स नहीं है 7 दिन पहले होगा या नहीं, बट 7 दिन पहले ही होता है। और इस दिन एकदम सुबह सुबह हम उठ जाते हैं क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में वीरेंद्र कृष्ण भद्रो का महालया पाठ होता है, रेडियो में पढ़ते हैं और हम सुनते हैं, हम सारे बंगाली लोग सुनते हैं इसे। तो महालया एक्चुअली है ये कि, इतना तो मुझे नहीं पता, बट महालया ये है कि पितृपक्ष जो होता है वो ख़त्म होता है और देवी पक्ष का सूचना होता है, देवी पक्ष का स्टार्ट होता है। पक्ष मतलब जो महीने में 15 दिन होता है, तो कल से वो 15 दिन का स्टार्ट होगा और उसके बाद होगा पूरा दशहरा तक, 15 दिन का पहला का 10 दिन और इसी बीच सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, ये 4 दिन होगा दुर्गा पूजा मेन। तो बस पूजा आ गया हम लोगों के लिए, तो पूजा ये आज से ही स्टार्ट है। तो हम सुनते हैं ऐसे रेडियो में, जब छोटे थे तब अपना रेडियो सेट में सुनते थे घर में, सारे लोग उठ के एक साथ सुबह सुबह 4 बजे से सुनते थे। फिलहाल अभी तो ये सब है नहीं, अभी मुझे मोबाइल पे ही सुनना पड़ रहा है। तो आप लोगों को महालया का हार्दिक शुभकामना, और जो पूजा आने वाला है आई होप कि आप लोगों का पूजा बहुत ही अच्छा जाए। इस बार महालया का सबसे बढ़िया चीज़ क्या है पता हो? पिछले जितने भी बार है उसमें 2 बजे से या फिर 2:30 बजे से बहुत पटाखे फोड़ना स्टार्ट हो जाता, मतलब नींद तक नहीं आती। अगर आप 1 बजे सोने जाओ या फिर 12 बजे सोने जाओ, 2 घंटे सो पाते हो, इतना पटाखे फोड़ता था। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई पटाखे फोड़े नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है और नेचर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस चीज़ से इस महालया का स्टार्टिंग बहुत ही बढ़िया है। तो आज जाऊँगा कहाँ? अभी सुबह जो ब्लॉग आज होगा पूरा सुबह ही स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट हो गया है मतलब, और सुबह ही ख़त्म हो जाएगा। तो अभी थोड़ी देर बाद मैं निकलूँगा और हम जाएंगे वही कुमट टुल्ली के साइड में, और उसके साइड में जो गंगा का घाट है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं तर्पण करने आज के दिन। तो तर्पण मतलब जो एंसेस्टर्स होता है, मतलब जो पूर्व पुरुष होता है, उन लोगों का जो पहले के उसका पिताजी या फिर पिताजी के पिताजी जो मर गए, उन लोगों को एक पूजा दिया जाता है आज तर्पण में, तो वो होगा। तो उसके लिए हम जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं। उसके बाद है कि कुंवर टुल्ली में आप पिछले ब्लॉक में देखे हो, अगर पिछले ब्लॉक में नहीं देखा तो आई बटन में जाइए, वहाँ पर है। तो कुंवर टुल्ली में जो मूर्ति बनाया जाता है उसका जो आँख है, मतलब आइज है, वो आज ड्रॉ किया जाएगा। तो हालांकि वो कवर कर पाऊंगा या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत होता है, बहुत भीड़ होता है, फिर भी कोशिश करेंगे। तो आज जाएंगे कुंवर टुल्ली और फिर ब्लॉग ख़त्म कर देंगे आज वहीं, क्योंकि आज का ब्लॉग पूरा ही महालया रिलेटेड होगा। मैं हो गए हूँ रेडी और अभी हम निकलेंगे कुंवर टुल्ली के लिए। जिन जिन लोगों ने पिछले ब्लॉग देखे नहीं हो उसको मैं फिर से बता देता हूँ कि कुंवर टुल्ली जाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप शोभा बाजार मेट्रो स्टेशन में उतरो और वहाँ से जोरा मंदिर नाम का एक पॉइंट है, जोरा मंदिर से अंदर थोड़ा सा घुस जाओ, 3 मिनट का रास्ता है, उसके बाद कुंवर टुल्ली आ जाएगा। हालाँकि आज मैं कुंवर टुल्ली नहीं जाऊँगा, कुंवर टुल्ली के पीछे एक घाट है गंगा का, वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर तर्पण होता है। वैसे तो कोलकाता में बहुत सारे घाट पे तर्पण होता है, लेकिन मैं वहाँ पर जाऊँगा क्योंकि बीच में कुंवर टुल्ली आएगा इसलिए। सो व्हाट्स अप पब्लिक, वेलकम टू द ब्लॉग ड्यूट एंड आई एम रजत। और अभी हम जाएंगे कुंवर टुल्ली के लिए, निकलेंगे, महालया का मॉर्निंग का जो वाइब्स है उसको थोड़ा कैप्चर करेंगे। हाँ, और एक चीज़,
जाने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अभी मेट्रो खुला नहीं है, छुट्टी के दिन मेट्रो वैसे ही लेट खुलता है, 9:30 बजे लगभग या फिर 10 बजे, वो एक बार कंफर्म करना पड़ेगा मुझे, वो मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। लेकिन नॉर्मल डेज़ भी मेट्रो 7 बजे खुलता है, इसीलिए अभी मेट्रो खुलेगा नहीं क्योंकि अभी बज रहा है 6:15, तो अभी मैं निकलूँगा, बस से जाऊँगा। तो बस में अगर मैं ये बड़ा कैमरा लेके चलूँगा तो मुझे टेररिस्ट सोचेगा, तो मैं फ़िलहाल बस में SD कैमरा लेके शूट करूँगा, थोड़ा बहुत विजुअल मैं आप लोगों को दूँगा और बातें नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सीधे 16 बजे में पहुँच के वहाँ पर बातें करूँगा, वहाँ पर शायद अभिज्ञान मेरे लिए वेट करेगा। तो भाई हम पहुंच गए हैं जहां पर हम आने वाले थे, फिर से वही जगह 16 बजे में। हालांकि मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया आप लोगों को और आज सुबह भी दे दिया, वो जोड़ा मंदिर नहीं है, वो लाल मंदिर है। 16 बजे में आके लाल मंदिर में आना होगा और लाल मंदिर से आपको अंदर घुसना होगा। तो अभी हम जाएंगे कुंवरटली होकर गंगा घाट, पहले वहाँ पर तर्पण हो रहा है, उसके बाद हम कुंवरटली लौट के आएंगे, कचौड़ी भी खाएंगे। ठीक है, ये बंदे को मैं सुबह सुबह बुला लिया, वैसे हम जब छोटे थे तब सुबह सुबह ही उठते थे, लेकिन अभी हम बड़े हो गए तो हम अभी देर तक जगते हैं इसलिए इतना सुबह उठते नहीं है, लेकिन आज का दिन हम उठ गए। बाकी आज अभिज्ञान बोलेगा, अभिज्ञान आज बहुत गुस्से में है क्योंकि इसको मैं सुबह सुबह यहाँ पर बुला लिया। बहुत कुछ बोल नहीं सकता मैं, ठीक है बस ठीक है मैं छोड़ दिया। लेकिन फिलहाल आज अंदर बहुत भीड़ होगा भाई, बहुत भीड़ होगा, सब लोग आएंगे यहाँ पर, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोग कभी इतना सुबह सुबह नॉर्थ कोलकाता देखे नहीं हो, देख लीजिए नॉर्थ कोलकाता इतना सुबह सुबह कैसा होता है, पूरा भरा खचाखच, बाजार ओपन होता है, सिंगाड़ा चौक का दुकान ओपन होता है, कचौड़ी का दुकान ओपन होता है। पूजा के लिए और कितना दिन बाकी है लगभग, मतलब पूजा के लिए बाकी तो है 6 दिन, लेकिन कोलकाता के लिए पूजा बस 2 ही दिन बाकी है और बस मंडे तक ही है, उसके बाद ट्यूजडे से पूजा शुरू है एकदम। तो और यहाँ का ऑटो का रेट भी बढ़ गया है, हर चीज़ का रेट अब बढ़ जाएगा, 15 का 20 हो गया, 10 का 15, 15 का 20। सुबह एक बंदे ने मुझे बोला ये चीज़ कि हम जो बोलते हैं कि सुबह उठ के महालया सुनूंगा, वो महालय नहीं होता है, वो एक्चुअली महिषासुर मर्दिनी होता है। माँ दुर्गा कैसे महिषासुर को मारा था वही सुनाया जाता है हर दिन सुबह, हर दिन नहीं आज के दिन, मतलब आज के दिन सुबह, महालय के दिन सुबह। देखा इसलिए मैं तुझको बुलाया, मैं बीच बीच में देखते देखते क्या बोल देता हूँ। लगता है भाई बहुत भीड़ है क्योंकि यहाँ से ही भीड़ पता चल रहा है कितना भीड़ होगा, और मेरा बहुत पुराना दोस्त भी हो सकता है, सारे यहाँ पर फ़ोटो खींचने आते हैं सुबह सुबह, उनसे भी मुलाकात हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई तो ऐसे ये है जो घाट एरिया है कुंवरटली का, यहाँ पर तर्पण अभी हो रहा है, तो
लोग आते हैं यहाँ पर आज के दिन अपने एंसेस्टर्स, अपने पिताजी, नाना जी, दादा जी, उनके लिए, उनको याद करते हैं और उनके लिए ही ये दिन है। हालांकि ये तो इतना खुशी का दिन नहीं है, लेकिन अभी महालय आ गया है, पूजा आ गया है, तो लोग इसको एज ए फेस्टिवल की तरह मनाते हैं। तो वैसे तो ये घाट बहुत छोटा है, यहाँ पर भीड़ बहुत कम है। कोलकाता में और भी घाट है, वहाँ पर और भी ज़्यादा भीड़ होता है। भीड़ मतलब ये है कि यहाँ पर 100 अगर तर्पण के लिए आता है तो 150 फोटोग्राफर्स आ जाते हैं। अभी ज़्यादा देर यहाँ पर रुकेंगे नहीं, क्योंकि शोर बहुत है ऊपर से। मतलब मैं तो वीडियो कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, और यहाँ पर लोग आते हैं तर्पण करने के लिए, उसका प्राइवेट मोमेंट होता है, तो उसको कैप्चर करना भी अच्छा नहीं है इतना। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं, तो और एक पोपट भी हो गया कि आने के टाइम जो जो मैं वीडियो किया, हालांकि लगभग सारे वीडियो ऐसे सिनेमैटिक शॉट ही था, लेकिन कुछ कुछ बीच में बोला भी था, वो सारे मुझे फिर से जाने के टाइम बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने भी बोला माइक ऑफ करके बोला, माइक मेरा ऑन नहीं था। नया है, नया माइक है मेरे लिए, तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना होगा मुझे। मैं भी रेल लाइन के बीच में खड़ा हूँ, और आप देखिए कि यहाँ पर कैसे फोटोग्राफी हो रहा है। ये आप मत करिए, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। हालांकि इस लाइन में ट्रेन बहुत कम जाते हैं, लेकिन ये डेंजरस है। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो चीज़ ये है कि ये बंदा अभी पूछ रहा है कि इतना भीड़ होता है महालय में। हम तो फिलहाल 2012 से आते हैं यहाँ पर। अच्छा, बीच में देख लीजिए, ये वो कचौड़ी की दुकान है जो बहुत फेमस है यहाँ पर। तो फिलहाल हम अभी यहाँ पर नहीं खाएंगे। तो हम तो 2012 में सबसे पहले आए थे कॉलेज से, तो तब इतना भीड़ नहीं था, लेकिन अब भीड़ बढ़ गया है। तो ऐसा लग रहा है कि फ़ोटोग्राफ़र की तादाद बहुत बढ़ गया है कोलकाता में पिछले 7 साल में, उससे ज़्यादा मॉडल का तादाद बढ़ गया है। तो भीड़ इतना है भाई आज, मतलब पूछो मत। फोटोग्राफी कार्निवल, आप पिछले ब्लॉग में ही देखे हो कि कुमुटुली कितना टाइनी है, बहुत ही छोटा जगह है। अब उसमें अगर इतना फोटोग्राफर्स आ जाएगा, अरे बाप रे। एक चीज़ याद आ गया। क्या आ गया? अरे मम्मी रे, अरे बाप रे। इसके बाद नहीं बोलेंगे, इसके बाद नहीं बोलेंगे। तो अभी हम घाट एरिया से निकल चुके हैं, और अभी हम कुमुटुली की तरफ जा रहे हैं। पुराने जो दुकान थे फिश कचौड़ी मिलता, तो वहाँ पर कचौड़ी खाएंगे अभी। और क्या, कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद कुमुटुली घूमेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। हाँ, उसके बाद निकल जाएंगे। अब तक आप टाइमलेस देख लीजिए ना। कोई टाइमलेस नहीं है भाई आज, आज गोप्रो नहीं है, कोई टाइमलेस नहीं है। ये बंदा भी सीख गया है मेरे तरह, तब तक आप ये टाइमलेस देख लीजिए। तो चलिए कोई नहीं, पीछे घाट छोड़ के आ गए हैं, और अभी हम फिर से कुमुटुली घुस रहे हैं। तो पुराने जो कचौड़ी की दुकान है वहीं पर खाएंगे कचौड़ी, फिर कुमुटुली होते हुए घर चले जाएंगे। भाई तो हम कचौड़ी खा के निकल चुके हैं, और अभी हम फिर घुसेंगे कुमुटुली। हालांकि कुमुटुली में एक गली था जो हम पिछले दिन गए नहीं थे, तो हम अभी वहाँ से घुसने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ मिल पाए तो। हालांकि कुछ बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि साउंड आपको कुछ सुनाई देगा ही नहीं, और यहाँ पर ही भाई हम घुसने की बहुत कोशिश किए, लेकिन इतना भीड़ है, मुझे लगता नहीं कि मैं घुस पाऊंगा अंदर, और ऊपर से इतना शोर है। तो फिलहाल आसपास में जो मूर्ति बन रहा है उसको देख के हम निकल जाते हैं यहाँ से, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो भाई हम निकल चुके हैं कुमुटुली से, तो अभी हम जाएंगे घर। हालांकि आज तो यार इतना शोर क्यों करता है, मतलब कोलकाता का गाड़ी इतना क्यों हॉर्न मारता है? खड़ा है, सामने गाड़ी है, ऊपर से तो जा नहीं पाएगा भाई उड़ के, तो हॉर्न मारने का बीच बीच में, मतलब हर बार एक सेकंड में हॉर्न मारना, पी 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 करके। निकलने से पहले थोड़ा चाय पियेंगे, और क्या है, बस आज के लिए यही है। अभी बहुत सुबह सुबह उठ गया था, तो थोड़ा घर में जाके सोएंगे, तो चाय पीने के बाद ब्लॉग ख़त्म करेंगे, और अगर बीच में कुछ हो जाए तो देखते हैं। चाय के दुकान के सामने बोलना तो उचित नहीं, बट
चाय इतना भी बढ़िया नहीं है, सुबह के मिल रहा है यही बहुत है। सो चाय भी ख़त्म हो गया, अब घर जा रहा है क्योंकि आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करना होगा, क्योंकि आज घर में थोड़ा बहुत काम है मुझे और एडिटिंग भी करना है। तो यही था महालया। महालया इज़ बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ दुर्गा पूजा। आप लोग जो ये ब्लॉग देख रहे हो, आप लोगों को सभी को दुर्गा पूजा का बधाई हो। आई होप कि आप लोगों का दुर्गा पूजा अच्छा कटे या फिर नवरात्रि अच्छा कटे आप लोगों का। और सेकंड चीज़ ये है कि दुर्गा पूजा में वैसे हंसी मजाक में बहुत सारे ऐसा चीज़ भी होता है जो होना नहीं चाहिए, जैसे कि भीड़ में लड़कियों को छेड़ना या फिर पटाखे फोड़ना, तो ये सब मत करिए। हर लोग एंजॉय करते हैं यार, एंजॉय कीजिए, सही तरीके से कीजिए कि किसी को परेशानी ना हो। अपने अपने घर वालों से मिलिए, अपने अपने दोस्तों से मिलिए, कोलकाता पहुँचिए और फिर कोलकाता में दुर्गा पूजा देखिए ठीक से। तो पहले की जो मिस्टेक है मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि अगर आप कुमटुली आएंगे तो शोभा बाजार में आके जो लाल मंदिर है, जो पहले मैं जोड़ा मंदिर बोल रहा था, जोड़ा मंदिर नहीं है वो लाल मंदिर है, लाल मंदिर आके सीधा जाना है जस्ट। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही है। आप एक काम करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय बाय। पिछले दिन एक गली था कुमटुली का जो हम निकल पड़े जावे काका के पानी दो के ओच। अब देखे क्या प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है कोलकाता में ब्लॉगिंग करने का।